उत्तर प्रदेश की मैनपुरी पुलिस जनपद को अपराधी मुक्त बनाने को लेकर एक्शन मोड में है। अपराधी जनपद छोड़ रहे हैं या अपराध छोड़ रहे हैं। यदि कोई घटना को अंजाम देने निकलता भी है तो जगह जगह सतर्क पुलिस धर दबोचती है। कुछ ऐसा ही मामला थाना कुरावली में देखने को मिला, जहां 25,000 का इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस चेकिंग के दौरान भागने की करी थी कोशिश, घिरा देख अपराधी ने पुलिस पर कर दी तमंचे से फायरिंग। पुलिस मुठभेड़ में अपराधी हुआ घायल, जिसकी सूचना मिलते ही एसपी कमलेश दीक्षित, सीओ कुरावली संजय कुमार वर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे। दरअसल मामला कुरावली के ग्राम नगला उसर मोड़ पर पुलिस और अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ का है। मौके पर कुरावली इंस्पेक्टर भोलू सिंह भाटी और उनकी टीम चेकिंग कर रही थी कि तभी 25,000 का इनामी बदमाश मुन्नेस और उसका भाई राजीव वाहन चेकिंग के दौरान चकमा देने की कोशिश करने लगा। इसके बाद अपराधी ने अपने को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसपी कमलेश दीक्षित ने बताया कि आज मुन्नेस अलाउ थाने का हिस्ट्री सीटर अपराधी, जिस पर एक दर्जन मामले दर्ज हैं, पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। इससे कुछ दिन पहले कुरावली में लूट की घटना को भी अंजाम दिया गया था। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। 25,000 का इनामी शातिर अपराधी एलआईयू थाने का हिस्ट्री सीटर मुनेश आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। आज वाहन जब चेकिंग किया जा रहा था, उसी दौरान दो बदमाश मोटरसाइकिल से भागे। पुलिस ने पीछा किया, पीछा के दौरान पुलिस ने फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें मुनीश घायल हुआ और एक उसके भाई राजीव पकड़ा गया। दोनों के पास से तमंचा बरामद हुए हैं। और उल्लेखनीय यह है कि 14 तारीख को यहाँ कुरावली में एक लूट की घटना हुई थी, जिसका पासबुक भी इनके पास से मिला है। इनके पास से लगभग 9,500 रुपये और जिस बाइक से लूट की घटना की गई थी, वो बाइक भी बरामद हुआ है। एक चीज़ और भी उल्लेखनीय है कि इनके द्वारा इसी बाइक से हाथरस में भी एक लूट की घटना उसके दो दिन बाद किया गया था। इस गैंग की तलाश की जा रही थी, इनके 25,000 का इनाम घोषित था। आज पुलिस द्वारा ये दोनों बदमाश पकड़े गए हैं, उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है, जहाँ उसको चिकित्सकीय उपचार किया जा रहा है। सर, इस घटना में कोई घायल हुआ है? कोई पुलिस पुलिस के ऊपर उसने फायर किया, लेकिन पुलिस ने अपने बचाव करते हुए फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी, वो घायल हुआ मुनीश। क्या क्या असला मिला है सर उसके पास? मुनीश के पास से एक तमंचा, उसके साथी राजीव के पास से एक तमंचा मिला है और कारतूस मिले हैं, मोटरसाइकिल मिला है, 9,500 रुपया मिला है। जो जिस व्यक्ति का लूट हुआ था, उसका पासबुक बरामद हुआ है। सर, गैर जनपद में भी इसका कोई आपराधिक स्तर? हाँ, ये मुनीश के ऊपर लगभग एक दर्जन मुकदमे हैं और इसके भाई के आपराधिक इतिहास को भी तलाशा जा रहा है। आसपास के जनपदों में भी इनके द्वारा घटना कारित की गई है। विवेचना के दौरान उन सारी तथ्यों को संज्ञानित करते हुए तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।